हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। बस ये आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है किचन से। हो गया दोपहर का टाइम, अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और खाने में आज बना रही हूँ बैंगन की कलौंजी और उसमें साथ साथ भिंडी मिक्स करूँगी और आलू की भी। पैक कर लिया मैंने प्याज लहसुन अदरक, तो यहाँ भी तैयार हो गया है कलौंजी का मसाला। थोड़ी देर में बच्चों के आने में टाइम हो जाएगा। और आज के खाने में दाल चावल कुछ नहीं है, रायता है, खीरे का, कलौंजी और बैंगन की और रोटी। चावल सब बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ, फिर बच जाता है, फिर फ्राई करते हैं, तो इसीलिए आज दाल चावल नहीं बना रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मसाला ये एकदम ताज़ा मसाला पीसा मैंने। रात को बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो भी रखी हुई है। और ये बन गया खीरे का रायता। कलौंजी बनाने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ, कोई लोग मतलब ड्राई मसाला जो होता है उसको रोस्ट करके फिर पीसते हैं फिर बनाते हैं, पर मैं पूरे मसाले जो होते हैं उसको, ताज़े मसाले को पीस लेती हूँ, प्याज लहसुन ये सब मिक्स करके, और फिर उसे अच्छे से मसाले को भून लेती हूँ। उसके बाद फिर स्टफ करके बैंगन की कलौंजी में, बैंगन में या भिंडी में, परवल में या गिलकी में, सब में स्टफ करके अच्छी कलौंजी बनती है। इसके आगे मैं शेयर करना भूल गई थी, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, मुझे कन्या खिलाना था, तो बस आने की मैम से बात हो रही थी, और जब से यहाँ आए तब से कन्या एक भी बार नहीं खिलाए हैं। तो मैम से बात हो रही थी कि कन्याएं मिल जाती, तो उन्होंने बोला था कि ट्यूशन में जो भी बच्चे आती हैं तो सबको भेज देंगी, तो फाइनल हो गया था कि अब मैं कन्या खिलाऊँगी। A few moments later. सो गई थी अचानक से, इतनी तेज आती तूफान, अचानक मतलब अजीब से एकदम आती थी। गेहूँ धुला हुआ था आज हमने, तो फिर जल्दी जल्दी हम मम्मी गेहूँ इकट्ठा करें। ऐसा हाल, अभी बादल है, बहुत तेज बारिश, बहुत तेज बारिश थी, ये पूरा इस तरह यहाँ गेहूँ फैल गया, और कपड़े भी कुछ उड़ के पीछे साइड गए हैं। तो वहीं अभी अनी गया है, अनी मम्मी गए हैं पीछे साइड निकालने कपड़े, उड़ के आ गए हैं। ये है वो, उधर टी शर्ट है। कुछ देर तक तो ऐसा मौसम रहा, मतलब ये आंधी देख के कुछ नॉर्मल लग ही नहीं रहा था, लग रहा था क्या अचानक से भूचाल आ गया। इतनी जोर आंधी और उतनी तेज बारिश, नहीं आता अचानक से एकदम भूचाल आना, वैसे ही वाला हाल था। कुछ देर तक तो एकदम डरे रह गए। अब भी हालांकि बादल हैं बहुत ज़्यादा, हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा हो गया। देख बाबू जग के आगे क्या है, अनी आ रहा है। ये देखिए, इसमें मेथी लगी थी, इसमें पालक हो रही है। क्या पापा आएंगे तो देंगे बॉल? हाँ देंगे। गिर गए हैं वो, देखो वो तुम्हारी टी शर्ट नीचे गिरी है। आनी के इधर किसी और कपड़े होने हैं, तो आनी आ गया है कपड़े लेने। ऊपर एक बाल्टी रखी थी वो भी चली गई। कहाँ? शाम का टाइम हो गया था और हमारा प्लान हो गया था कि आज माँ खंडेरा के दर्शन करने जाना है, जो रायसेन से अप्रॉक्सीमेट 20 किलोमीटर की दूरी में है। और इतनी सुंदर सुंदर मतलब झांकियाँ माँ दुर्गा जी की, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा आई हुई हैं कि जहाँ देखो वहाँ हर जगह बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ हैं। अभी भोपाल भी हम नहीं गए, देखते हैं भोपाल का क्या प्लान होता है। अदरवाइज़ सुनने को मिला कि बहुत ही शानदार झांकियाँ आई हैं। ये खंडेरा वाली माता हैं और इन्हें छोले वाली माता के नाम से भी जानते हैं, तो इनकी भी एक अलग क्या कहें तो कहानी है जहाँ से प्रकट हुई हैं। कभी जानकारी मिलेगी पूरी तब हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम यहाँ आ गए थे और अभी स्टार्टिंग के डेज रहे थे, मतलब पंचमी के बाद यहाँ
एक अच्छा मेला लगता है और अच्छी भीड़ भी हो जाती है। तो यहाँ प्रसाद लिया हमने और आज तो हम सबसे पहली बात यही बोलेंगे कि बहुत अच्छे टाइम पे हम पहुँचे थे। जैसे ही पहुँचे वैसे माता जी की आरती हो रही थी और नवरात्रि के टाइम में माता जी की आरती अटेंड करना ये अपने आप में एक ब्लेसिंग है। मतलब पूरी आरती नवरात्रि की देखना माता जी की, बहुत एकदम बहुत ही सुकून मिला। और माता जी के दर्शन देखिएगा, इनका जो है ना तो इनका चेहरा नहीं दिखता है, इनकी जो चेहरा है उनके दर्शन मतलब होली की जो द्विज होती है उस दिन होते हैं, उस दिन भी एक बहुत कुछ होता है। तो आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं यहाँ की पूरी जानकारी लेने के लिए। ये पूरी 5 प्रतिमाएं हैं और पूरी मिट्टी की प्रतिमा है, तो ये सिर्फ एक दिन इनका चेहरा हटाया जाता है। और होली की द्विज वाले दिन जब इनका चेहरा मतलब दिखाया जाता है तो उसी दिन बकरे की बलि भी दी जाती है। अभी इस बार हमें दुकान वाले भैया ने बताया था, तो कभी कोशिश रहेगी कि होली की द्विज को हम जाएं और सबसे पहले माता जी के चेहरे का दर्शन करें, तो हो सकेगा तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। यहाँ बड़ी श्रद्धा से हम चुनरी ले गए थे माता जी के लिए, तो बहुत अच्छा लगा कि माता जी के लिए हम चुनरी ले गए और उनके सर पे चुनरी चढ़ाई गई। पंडित जी प्रसाद दो, प्रसाद बहुत बढ़ता है। एकदम मंदिर के सामने जस्ट इनके ऑफिस कलेक्स की शॉप थी। क्या एक खिला दो, बस एक खिला दो। मैं अभी यहाँ बैठे हैं सामने, अच्छा लग रहा है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और खंडेरा वाली माता के दर्शन कैसे लगे आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय माता दी।